पाक भारत टाकरा आज फिर टकराया गया, बट आपको नहीं मालूम होगा तो मैं आपके लिए हूं ना यहाँ पर मौजूद। तो आपको सारी सिचुएशन बताते हैं कि ये टाकरा था हॉकी का। तो मैच को शुरू करने से पहले आप लोगों ने चैनल को मेरे को लाजमी कर देना है सब्सक्राइब। तो आपको बताएं कि आज साल 2024 का सबसे बड़ा हॉकी मैच खेला गया, जहां इंडिया और पाकिस्तान दोनों आमने सामने थी। इस मैच में शानदार हॉकी हमें देखने को मिली। यहाँ पर आपको एक मजीद इंटरेस्टिंग बात बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के इस एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2025 के मैच में कंप्लीट हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे तो पहले क्वार्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। पाकिस्तान ने जारहाना हॉकी का मजाहरा किया, जबकि इंडिया दिफाई हिकमत अमली से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त खेल वो भी पेश कर रहा था। सातवें ही मिनट में अहमद नदीम ने एक शॉर्ट पास करके गोल में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान ने 1-0 की बढ़तरी पहले ही राउंड में हासिल कर ली थी। पहले क्वार्टर के आखिरी लम्हात में भी इंडिया किसी से कम नहीं भाई। इस टाइम भी इंडियन कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पलंटी कॉर्नर को कामयाबी से गोल में तब्दील कर दिया। इस तरह पहले क्वार्टर के ख़त्म होते ही दोनों टीमों का स्कोर रहा 1-1 से बराबर। दूसरे क्वार्टर में इंडिया ने बड़ी जारहाना और समझदारी के साथ क्रिकेट खेली और चौथे मिनट में ही हरमनप्रीत सिंह ने एक और पलंटी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर दिया, जिससे इंडिया 2-1 से बढ़तरी हासिल कर ली और इस मैच में भी अपने कदम मजबूत कर लिए। तीसरे क्वार्टर में दोनों टीमों ने शानदार फाइट लड़ी, जारहाना अंदाज में खेले। पाकिस्तान को 4 पलंटी कॉर्नर मिले, लेकिन इंडिया गोलकीपर कृष्ण पाठक की शानदार गोलकीपिंग ने इसे रोक दिया। पाकिस्तान ने 4 पलंटी कॉर्नर को भी जाया कर दिया। तीसरे क्वार्टर के ख़त्म होने पे इंडिया की 2-1 की बढ़तरी बरकरार रही। चौथे क्वार्टर में भी मजीद मैच सनसनीखेज हो गया, जबकि 5 मिनट में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान मामूली झगड़ा भी देखने को मिला, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के राणा वहीद को येलो कार्ड दिखाकर 10 मिनट के लिए ग्राउंड से बाहर भेज दिया गया। 13वें मिनट में इंडियन खिलाड़ी मनप्रीत सिंह को भी 5 मिनट के लिए येलो कार्ड दिखाकर बाहर भेज दिया गया। चौथे क्वार्टर में कोई भी गोल ना हो सका और इंडिया ने पाकिस्तान को एक बड़े ही इंटरेस्टिंग मुकाबले के बाद हरा दिया। 2-1 से शिकस्त दे दी इंडिया की ये इस टूर्नामेंट में मुसलसल 5वीं जीत थी, जबकि पाकिस्तान टीम जो है वो अब टूर्नामेंट से ही बाहर हो चुकी है। यहाँ पर मैन ऑफ द मैच जो है वो इनके कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे, जिन्होंने 2 गोल किए।